सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो इक्लिप्स ईद से एक दिन पहले के यानी कि चांद रात के हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, तो अभी डिलीवर हुआ है। उसके अलावा आज मैंने सोचा कि मैं भी नेल पॉलिश लगा ही लेती हूँ, काफ़ी टाइम बाद दिल कर रहा था, तो ये वाला शेड मैंने चूज़ किया है। उसके अलावा पाकिस्तान जैसी कुर्बानियों वाला सीन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर भी लोग अक्सर कुर्बानियाँ अपनी पाकिस्तान में करवा देते हैं, यहाँ पर पैसे देते हैं तो गोश्त जो है ना वो बन के घरों में आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा ही सीन होता है। उसके अलावा ये पप्पू ने बनाई थी फिर नहीं। सो माई हाउस इज़ ऑल एम्प्टी बिकॉज पुप्पो एंड सबा अवकार सब जो है ना ईद नमाज पढ़ने चले गए हुए हैं, एंड दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस राइट नाउ। किचन साफ होगा, सबा कल रात को कर दिया हुआ था, बाकी मैंने अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ ताकि वो लोग वापस आएँ, तो घर भी साफ थोड़ा लगे। और उसके अलावा मैं तो नहीं जा सकी ईद नमाज के लिए, यूज आर सेफ एंड द बेबी आर स्लीपिंग। रूटीन थोड़ी सी अजीब हुई है मेरी, उठना सोना सब ये दोनों यहाँ पे सोए हैं, मैं तो मैं तब तक जल्दी से घर साफ कर देती हूँ और फिर लेट्स सी। सो यहाँ यूके में आज ईद है और कुछ लोगों की कल होगी, सो जिनकी आज ईद है उनको भी ईद मुबारक, और जिनकी कल है उनको एडवांस में ईद मुबारक। एंड दिस इज़ मी राइट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बेड। सो ऊपर ऊपर से सफाई हो गई है एंड ये भी चला दी है फॉर अ बेटर गुड स्मेल, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। उसके अलावा दे बोथ आर स्लीपिंग, अब उठेंगे तो इनके कपड़े वगैरह चेंज कराऊंगी और ख़ुद भी चेंज करूंगी तभी जब बाहर जाएंगे। आज का क्या प्लान बनता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ साथ आज का दिन कैसा जाता है, आज की ईद कैसी जाती है, और बाहर का मौसम कुछ इस तरह से क्लाउडी हुआ है, बारिश अभी तक नहीं हो रही वरना रोज़ हो रही है आजकल। सो अभी बैठ के वेट करते हैं सबका घर पर। तो आंटी जिनका अक्सर मैं ब्लॉग्स में जिक्र करती हूँ ईद नमाज़ पढ़ के, वो भी हमारी तरफ आ गई थी, साथ में ये चॉकलेट्स लेके आई थी ज़ार सिफ के लिए, तो हमने जो फिर फिरनी बनाई हुई थी वो उनके लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ईद है तो कुछ मीठा तो होना चाहिए। उसके अलावा ये जेलीज़ वगैरह थी ये भी वही लेके आई थी ज़ार सिफ के लिए, ज़ार सिफ सोया हुआ था इसीलिए अभी तक उसके हाथ नहीं लगी। और यहाँ पे वकार आ गया ईद नमाज़ पढ़ के, थोड़ा सा लेट आया था क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं सब, तो वो कार्ड लेके आया है सबके लिए ईद गिफ्ट्स। सो लेट्स सी सबके लिए क्या क्या आया है। तो मेरे लिए आए थे ये फ्लावर्स, पुप्पो के लिए आए थे ये मग्स, और सबा को दे दी थी ईदी, और ये मग्स पुप्पो के कपड़ों के साथ मैच भी हो रहे हैं। यस यस खुश हो अब, आज तक उसका फेवरेट टॉय मिल गया ईद पे है ना। अच्छा। बाबा को थैंक यू करके आओ, अब बाहर जाके चलाएंगे ठीक है। तो अभी सब कर रहे हैं अपना अपना नाश्ता, और मेरा कुछ ऐसा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने खा लिया ये एग सैंडविच एंड चाय। कौन सी लगाऊं यार मुझे बताओ? ये वाली इधर से पूछो, ये वो जहाज से मिले थे। अच्छा मैंने मैंने ये वाली लगाई थी कल, मैरून ये है, ये सारे इसके अंदर मेरी है भी नहीं नेल पॉलिशेस, ये वाला लगाना मुझे पकड़ो फिर। सैनिटाइजर खोलिए इधर से ने पकड़ के लगाओ, अब सासे बस करो बस। चलो जी अब ड्राइनेस हो जाएगी। ओल माशाल्लाह बिहाइंड द सीन्स, ये देखो और भी हैं, निकालो बाहर एक अंदर ही डाल देते हैं बॉक्स में। ये तो आरसी को तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, ये वाला भी है एक शेड मैरून टाइप कुछ, ये भी है रेड। यस ब्रदर। एंड वी आर फाइनली रेडी, और अभी जो है हम जा रहे हैं बुफे करने के लिए, ईद डिनर लंच करने के लिए हम सब अभी बस निकलने लग गए हैं। और ये मैंने पहना है आज आउटफिट, इमेज से मैंने लिया था पाकिस्तान से आने से पहले, सिलवा के लाई थी वहाँ से, तो यस लेट्स गो। और अब जो बैग मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ वो ये है, ना कि मेरा हैंड बैग बट अ बेबी बैग विथ मी। निकी ब्लास क्लाउड्स में बन गया था, कैसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अपने वेन्यू पे जो कि ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुफे ही होता है, बस आई थिंक एशियन कुजीन के नाम से है। तो इनकी वैरायटी जो होती है बुफे की वो बहुत ज़्यादा होती है,
ऑलमोस्ट चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह वगैरह सब कुछ होता है इनके पास। तो यहाँ पे ये स्टार्टर्स की वीडियो भी बस मैं बना रही हूँ, और मैंने कोशिश की थी कि सारे आइटम्स की वीडियो मैं बना सकूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना कि पॉसिबल ही नहीं हुआ। खैर, ये जो बनाया मैंने उसकी मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोग देख के इंजॉय करें, टेस्ट इमेजिन करें। सो खाना वगैरह खाने के बाद हम आए थे लेक साइड पे फोटोज़ लेने के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश हो गया था जब हम निकल रहे थे, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ अच्छी फ़ोटोज़ लेना। तो हमने सोचा कि पास ही ये जगह है तो यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे आ गए। हाँ चलो चलाओ इधर, चलो यहाँ सीधे चलाओ, वो देखो जरा। तो हम पिक्चर्स के लिए घर के बाहर ही रुक गए थे, बाकी पुप्पू और कार अंदर चले गए, और अब हम बेल्स दे रहे हैं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, जाके लगता अंदर सो गए हैं हमें बाहर छोड़ के। अब लेट्स सी कब खोलते हैं। नोबडी इज़ ओपनिंग द डोर, फाइनली खुल गया। तो ये हो गया नेक्स्ट डे, और जो फ्लावर्स मुझे वकार ने दिए थे वो मैंने सेट कर दिए अपने अपने जगह पे, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।